दोस्तों, अगर आप भी इंडिया और श्रीलंका के बीच पहला और सबसे रोमांचक कांटे का T20 मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हैं, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बस कुछ ही घंटे में शुरू होने वाला है इंडिया और श्रीलंका के बीच सबसे रोमांचक पहले T20 का घमासान। उछलने वाला टॉस पर होने वाली है रोमांच की सारी हदें पार। तो आखिरकार भारत और श्रीलंका के बीच ये कांटे का मैच कब और कहाँ पर होगा, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस मैच से संबंधित आंकड़े, पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और दोनों टीमों की खतरनाक प्लेइंग 11, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम श्रीलंका को सीरीज में हरा पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जिम्बाब्वे में चैंपियन बनने के बाद भारत के युवा सितारे एक नई चुनौती से गुजरने जा रहे हैं। जी हाँ, भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज खेलनी है, जिसके लिए दोनों टीम पूरी तरीके से तैयारी में लग चुकी है। भारत का पूरा कोचिंग स्टाफ, टीम से लेकर कप्तान, सब कुछ बदला जा चुका है। तो श्रीलंका की क्रिकेट टीम भी इस बार टीम इंडिया को इतनी आसानी से अपने घर पर जीतने तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली है, क्योंकि ये उनके सम्मान की लड़ाई है। यानी कि श्रीलंका की सरजमी पर बहुत जल्द ऐतिहासिक सीरीज शुरू होने जा रही है। तो आइए सीरीज के पहले मैच के बारे में अब विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पहले 3 मैचों की T20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा, तो उसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज में भी इंडिया और लंका को दो दो हाथ करने हैं। बता दें, सीरीज का पहला महामुकाबला 27 जुलाई को कैंडी शहर के पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम में रात 7 बजे से प्रारंभ होगा। तो वहीं 6:30 बजे टॉस का समय होगा और इस मैच की लाइव कवरेज 6 बजे से प्रारंभ होगी। वहीं इस मैच का लाइव टेलीकास्ट आप टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में सोनी लिव ऐप इसका लाइव टेलीकास्ट करेगा, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना अनिवार्य रहेगा। भारत और श्रीलंका के बीच इतिहास के हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो दोनों टीम के बीच 29 मैच खेले गए हैं, जहां पर भारतीय टीम ने 19 तो श्रीलंका ने 9 मैच में जीत हासिल की है, तो वहीं एक मैच में रिजल्ट नहीं निकला है। ऐसे में भारत और श्रीलंका के बीच मैच काफी ज्यादा रोमांचक अंदाज में खेला जा सकता है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच ये मैच पल्ले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। इस मैदान में आंकड़ों के बारे में बात करें तो इस स्टेडियम पर अभी तक 23 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर 13 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, तो वहीं पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 9 मुकाबलों को अपने नाम किया है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 161 रन है। तो वहीं इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सबसे बड़ा स्कोर 263 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाया। तो वहीं सबसे कम स्कोर न्यूजीलैंड ने 70 रन ऑल आउट होकर बनाया है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पूरी सीरीज पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम पर खेली जाने वाली है, जो काफी ज्यादा बेहतर मैदान है। यहाँ पर बल्लेबाजों के बल्ले पर गेंद बड़ी बेहतरीन तरीके से आती है, तो वहीं स्पिनर और तेज गेंदबाजों को भी समय समय पर मदद मिलती रहती है। ऐसे में गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच ये मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। तो वहीं मौसम की बात की जाए तो मुकाबले वाले दिन मैदान पर बादल छाए रहेंगे, जहां पर बारिश की संभावना मात्र 10% तक है। यानी कि मुकाबला तो कांटे का होगा, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब श्रीलंका को रोकने के लिए BCCI की तरफ से एक नई प्लेइंग 11 का ऐलान किया गया है, जिसमें कई नए चेहरे हमें जलवा दिखाते नजर आएंगे। तो अब पहले T20 के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने का कार्य यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी कर सकती है। तो वहीं तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर संजू सैमसन को शामिल किया है। इसके अलावा मध्यक्रम में 4 और 5 नंबर पर अब सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को खेलने का मौका मिल सकता है। तो वहीं मुख्य ऑलराउंडर के रूप में कप्तान हार्दिक पांड्या को खेलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा फिरकी गेंदबाज के रूप में अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई को खेलने का मौका मिलेगा। साथ में तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह को खेलने का मौका मिलने वाला है। ऐसे में भारतीय टीम इन खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी, तो वहीं ऑलराउंड डिपार्टमेंट में शिवम दुबे को भी प्लेइंग 11 में चुना जा सकता है। तो वहीं श्रीलंका की टीम की बात करें तो श्रीलंका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस अब करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा मध्यक्रम में सदीरा समर विक्रमा, चरित असलंका और धनंजय डिसिल्वा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं लोअर मिडिल ऑर्डर में कप्तान वानिंदु हसरंगा, दुनित वेला लागे और महेश तीक्षणा को खेलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा गेंदबाजों के तौर पर दुष्मंता चमीरा, नमन तुषारा और मतीशा पथिराना खेलते दिखाई देने वाले हैं। यानी कि टीम इंडिया के लिए भी ये चुनौती आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच से पहले T20 में कौन सी टीम बाजी मारेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।